है वो बीजेपी के पक्ष के, और ये जो बीएसपी के एमएलए है वो कांग्रेस जेडीएस के सपोर्ट में थे। पहले थोड़ी देर दिन के लिए वो बीएसपी के एमएलए महेश ने कहा कि मायावती जी को इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, अगर मायावती जी इंस्ट्रक्शन देंगे तब हम। शालिनी, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा इनके बारे में आप बताइए। इस वक्त बीजेपी विधायकों के वोट गिने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहां पर जोड़ घटाना, गुड़ा भाग सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब ये सवाल महत्वपूर्ण है कि कुमारस्वामी सत्ता में रहेंगे या फिर बीजेपी वापसी करेगी। शालिनी, इन तस्वीरों पर अभी जो चल रहा है असेंबली के अंदर टैली कर रहे हैं वोटिंग, वो हेडकाउंट है, वो हेडकाउंट खत्म हुआ है, वो टैली कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर क्या है। थोड़ी देर में स्पीकर बता देंगे कि नंबर क्या है, कांग्रेस जेडीएस का नंबर क्या है और बीजेपी का नंबर क्या है, लेकिन इस वक्त काउंटिंग खत्म हुआ है और टैली कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुमारस्वामी का चेहरा कैसे बुझा हुआ है, और ये तस्वीरें कम से कम ये संकेत कर रही हैं कि आंकड़े जो हैं सत्ता पक्ष के लिए अब फेवर में नहीं रहे हैं। बीजेपी विधायकों के वोट गिने जा रहे हैं, सवाल महत्वपूर्ण है, क्या बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएगी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको बता दें, विपक्ष और पक्ष के विधायकों की गिनती की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है, शालिनी आपने जानकारी दी, कि बीएसपी के जो विधायक है वो सदन में मौजूद नहीं है, बीएसपी के एमएलए असेंबली के अंदर नहीं है, मायावती की पार्टी के जो एमएलए हैं वो नहीं है सदन के भीतर, जो कांग्रेस और कुमारस्वामी सरकार के पक्ष के थे। जो बीएसपी के एमएलए महेश, उन्होंने एब्सटेन किया है वोटिंग से, आज वो नहीं है असेंबली के अंदर। अभी इस वक्त काउंटिंग हो रही है, टैली हो रहे, स्पीकर के पास वो पेपर जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि अगला स्टेप क्या है। लेकिन राजभवन के बाहर जो खबर मिल रहे हैं हमें, वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है, मीडिया ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, अभी इस वक्त टैली कर रहे हैं वोटिंग हेडकाउंट जो लिया है वो काउंट कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं कि बीजेपी के पास कितने नंबर है और कांग्रेस जेडीएस के क्या पास कितने नंबर है। थोड़ी देर पे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या कुमारस्वामी गवर्नमेंट फॉल करेगी और क्या बीजेपी गवर्नमेंट अब कर्नाटका में वापस आएगा कि नहीं। बिल्कुल, कर्नाटक विधानसभा में वोटिंग की कार्रवाई लगातार जारी है, कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बनाएगी कर्नाटक में, क्या आंकड़े कहते हैं, क्योंकि आंकड़ों को लेकर ही ये सारा का सारा खेल पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी था। आपको बता दें, एक तरफ येदियुरप्पा लगातार कांग्रेस को और जेडीएस को घेर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए अपने विधायकों को बचाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक एक करके सभी विधायकों के मत गिने जा रहे हैं और उसके बाद टोटल किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कुमारस्वामी के पक्ष में कितने लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने लोग हैं, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बताते चले एक बार फिर से, दरअसल जो माननीय श्री एच कुमारस्वामी सभा नायक दिवस चर्चा मुगसी ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಡಿವಿಷನನ್ನು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಟ್ಟು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 99, ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 105. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಈ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ಜನ ಹೊಸಬರು ಸದಸ್ಯರು, ಸೀನಿಯರ್ಸು,
देश पर्स्थिति संसदीय प्रजाप्रभुत्व गौरव बड़ी खबर आपको दे दे, विश्वास मत के पक्ष में सिर्फ 99 वोट, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई है। कुमारस्वामी अपनी सरकार को बचा नहीं पाए और इसी वजह से बेहद भावुक भाषण भी उनकी ओर से कुछ देर पहले दिया गया था। आप सुन रहे हैं स्पीकर की ओर से पूरी जानकारी दी गई है। विश्वास मत के विपक्ष में 105 वोट पड़े, विश्वास मत के विपक्ष में 105 वोट पड़े हैं और इस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई। 100 के आंकड़े को भी ये सरकार पार नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस वक्त बेहद मजबूत और विश्वास मत के पक्ष में 99 का आंकड़ा 100 के आंकड़े को भी छू नहीं पाए। कुमारस्वामी, बड़ी खबर कर्नाटक की। कर्नाटक का नाटक अब इस रूप में खत्म हो रहा है। स्पीकर की ओर से अपनी बातें रख दी गई हैं सदन के सामने। बीजेपी के लिए कर्नाटक के लिहाज से बहुत बड़ा दिन और आपको सदन के भीतर राष्ट्रगान हो रहा है। आपको बता दें कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक से सामने आई है। कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई है, लगातार बचाने की कोशिश की गई। येदुरप्पा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। येदुरप्पा के पक्ष में 105 यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 105 वोट पड़े हैं, जबकि कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े हैं और इस तरह से अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। विश्वास मत के विपक्ष में येदुरप्पा के पक्ष में 105 वोट पड़े हैं और वैसे भी आपको बताते चले ये जो 105 विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो जेडीएस और कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था अपनी ही पार्टियों से और लगातार अपने नेताओं के ऊपर तमाम तरह के आरोप जड़ रहे थे उनकी ओर से। और ये देखिए बधाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। येदुरप्पा को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देखिए किस तरह से हाथ ऊपर उठाकर कैमरे की तरफ अब ये बताते हुए कि हमारी सरकार बनने जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अपने विधायकों के साथ येदुरप्पा इस वक्त खड़े हुए हैं और विक्ट्री साइन दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम विधायकों की ओर से, यानी कि जो विधायक अलग हो चुके थे उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इस तरह से 99 सीटों के साथ कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है। एक और राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया, एक और राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया। येदुरप्पा यहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जितने भी मीडिया कैमरे वहां पर हैं उन सभी के आप सामने देखिए किस तरह से अपने तमाम विधायकों के साथ खड़े हुए हैं येदुरप्पा। और अब उनके लिए खुशी की बात क्योंकि उम्मीद इसी के साथ कि अब वो सरकार बनाएंगे कर्नाटक में। शालिनी नोबो हमारी संवाददाता लगातार वहां से पल पल की जानकारी दे रही है। शालिनी, तो आखिरकार कर्नाटक के नाटक का अंत हो